डोनेस्क पर यूक्रेन के रूस ने यूक्रेनी हमले का वीडियो जारी कर दिया है। सीधा दिखाइए विजुअल्स, सिविलियन इलाके को टारगेट कर रहा है यूक्रेन, रूस का दावा है। विद द विजुअल्स 4060 डोनेस्क के सेंट्रल इलाके में गोलीबारी, रूस का यह दावा है। डोनेस्क का यह रिहायशी इलाका है, यह रूस का दावा है कि इस इलाके में, यह तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। यूक्रेन की गोलीबारी में दो लोगों की मौत है, कई घायल हैं, रूस ने यह भी कहा। इस सब के बीच में आज साउथ और ईस्टर्न यूक्रेन को लेकर इसी तरह की खबरें और वीडियो सामने आते रहे। वैसे जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त यूक्रेन ने रूस के ऊपर काउंटर अटैक करने शुरू कर दिए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है जो हम सभी को समझना जरूरी है, वो ये कि आज की तारीख में यूक्रेन विदेशी हथियारों से अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है और रूस सिर्फ डोनबास के इलाके में, डोनेस्क और लुहांस पर फोकस कर रहा है। ऐसे में क्या होगा खारकीव का, ऐसे में क्या होगा खेरसोन का और क्या होगा क्रीमिया का, क्योंकि एटॉमिक किंगडम की अगर बात की जाए तो विनाश का ये एक्सटेंशन साफ दिखाई दे रहा है। अब आमने सामने के बजाय रूसी सेना के खिलाफ स्ट्रैटेजिक अटैक कर रहा है। यूक्रेन आर्मी का दावा है कि उसने खारकीव में कई इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। यह भी कहा जा रहा है कि जितना एरिया दिल्ली का है उतना ही इलाका यूक्रेन ने रूस से वापस हासिल कर लिया। हालांकि इधर रूस ने भी खारकीव में अपने ग्राउंड ट्रूप्स का मूवमेंट बढ़ा दिया। कहा जा रहा है कि इजियम की तरफ से एक्स्ट्रा फोर्स खारकीव की तरफ बढ़ रही है। सवाल है आखिर यूक्रेन के काउंटर अटैक में इतनी धार कहां से आई और अगर यही पैटर्न फॉलो हुआ तो रूस क्या करेगा? क्या वॉर जोन में न्यूक्लियर वेपन्स भी एक ऑप्शंस हैं? न्यूक्लियर वेपन्स इस रिपोर्ट में देखते हैं। क्या यूक्रेन में रूसी मिलिट्री का दांव उल्टा पड़ गया? यूक्रेन ने अचानक पुतिन की आर्मी को पीछे कैसे धकेल दिया? यूक्रेन के पास वेपन ऑफ रूस डिस्ट्रक्शन आ गया। अगर पुतिन गए हाथ तो एटम चलेगा धुआंधार। सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन आर्मी का काउंटर अब सुर्खियां बन चुका है। यूक्रेन आर्मी के सामने रूस की स्ट्रेटजी एक्सपोज हो गई और अब तो यूक्रेन उन इलाकों पर कब्जे का दावा कर रहा है जो कई दिनों से रूस के पास। लेटेस्ट जानकारी ये है कि यूक्रेन साउथ और ईस्ट में कम से कम 20 इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया। यूक्रेन ने रूसी कब्जे से 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाका वापस ले लिया, यानी करीब करीब पूरी दिल्ली जितना इलाका वापस आ गया। 27,000 लोगों की आबादी वाले बलाकलिया शहर पर यूक्रेन का झंडा लहराने लगा। खारकीव और रूसी नियंत्रण वाले इज्यम शहर के बीच कनेक्टिंग लिंक बालकलिया शहर। खारकीव के साथ बिंदरी इलाके में भी रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के ब्रिगेडियर जनरल का दावा है कि यहां यूक्रेन की सेना 50 किलोमीटर तक के इलाके को रिकैप्चर कर चुकी है। अभी तक यूक्रेन की पॉलिसी रही है कि वो काउंटर ऑफेंसिव अटैक की डिटेल्स इतनी जल्दी शेयर नहीं करता, लेकिन अब यूक्रेन आर्मी अपनी सेना की लेटेस्ट पोजीशन तक को डिस्क्लोज कर रही है। यूक्रेन आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल ओलेक्सी ग्रोमोव की तरफ से कहा गया, ईस्टर्न फ्रंट में यूक्रेन की सेना अब स्लोवियंस की तरफ 3 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पर यूक्रेन ने ओजोम नाम के सेटलमेंट को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने नया प्रेडिक्शन जारी कर दिया। ISW का दावा है कि अगले 72 घंटे में यूक्रेन की सेना कुपियांस और खारकीव को रूस के चंगुल से पूरी तरह आजाद करा लेगी। लेकिन सवाल है कि आखिर यूक्रेन के पलटवार में धार कैसे आई, रूस की सप्लाई लाइन पर सेटिंग अटैक कैसे हो रहे हैं, तो इसे लेकर भी यूक्रेन आर्मी और अमेरिकी टॉप अफसरों ने क्लियर कट बात की। ये कहा गया, बैरक्टर ड्रोन दुश्मन की इन्फेंट्री और आर्टिलरी यूनिट का काल साबित हो रही है। चूंकि रूस का एयर डिफेंस कमजोर है इसलिए बैरक्टर ड्रोन लगातार सटीक हमले कर रहे हैं। अमेरिकी जनरल का कहना है कि अमेरिका के हाइमार्स ने यूक्रेन के काउंटर अटैक को नई धार दी है। हाइमार्स के चलते यूक्रेन अभी तक 400 रूसी टारगेट्स को खत्म कर चुका है। इसके चलते रूस की कम्युनिकेशन लाइन और सप्लाई चैनल अस्त व्यस्त हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका इस वॉर को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वो लगातार यूक्रेन को एडवांस वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए अब पुतिन की सेना की हार की बातें होने लगी है और यही दुनिया की परेशानी की बड़ी वजह भी है। क्योंकि अगर पुतिन को लगने लगा कि जीत नहीं मिलेगी तो फिर एटम अटैक का ऑर्डर भी दिया जा सकता है।